लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। ओडिशा के केंदुझर जिला जोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत DAV पब्लिक स्कूल के पास राणा सरघाटी में एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। जी हां, आपको बता दें कि एक 40 टन लोड लौह अयस्क टेलर तेज रफ्तार में होने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक 25 वर्षीय युवक अभिषेक गुप्ता की मौत हो गई एवं एक छात्रा श्रुति कृष्णा गोप गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लौह अयस्क लोड एक 22 चक्का टेलर तेज रफ्तार से जोड़ा की ओर जाने के क्रम में असंतुलित होकर पलट गया और ट्रक पर लदा 40 टन लौह अयस्क रोड के साइड में खड़े 25 वर्षीय अभिषेक गुप्ता और बड़बिल संत मैरी स्कूल की छात्रा श्रुति के ऊपर जा गिरा। सूचना मिलने पर जोड़ा थाना अधिकारी और अग्निशमन दल घटना स्थल पर पहुंची और आनन फानन में JCB मशीन की मदद से दोनों को उठाकर जोड़ा के टाटा अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने अभिषेक गुप्ता को मृत घोषित कर दिया एवं घायल छात्र का इलाज टाटा टिस्को अस्पताल में चल रहा है। मृतक अभिषेक का मूल घर राउरकेला क्षेत्र में है एवं घायल छात्रा जोड़ा क्षेत्र के मुखर्जी बस्ती की रहने वाली है। हादसे के बाद से चालक फरार है, पुलिस घटना की जाँच में जुटी है। ओडिशा के केंदुझर जिला बड़बिल से सज्जाद आलम की रिपोर्ट, R9 भारत।